नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ, और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। चुनाव से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो खासकर भारत में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, इसी के मद्देनज़र फेसबुक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए 687 पेजों को मिटा दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान सेना के कर्मचारियों को भी फेसबुक ने उनके 103 पेजों से हटा दिया है। चुनावी मौसम में इन दिनों लगभग हर पार्टी में दल बदल, या फिर यूं कहें अंदर बाहर का खेल चल रहा है। और इसी के मद्देनज़र बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में भी खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने पार्टी के किसान विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित समिति के सदस्य से भी त्यागपत्र सौंप दिया है। शनिवार 30 मार्च को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद से अब लोग बिहार बोर्ड के 10वीं के परिणामों के लिए आस लगाए हुए बैठे हैं। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बहुत जल्द 10वीं यानी मैट्रिक के परिणामों का ऐलान करने वाला है। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर विमान हादसा होते होते बच गया। यहाँ से खबर आई है कि पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही विमान उतर रहा था कि इसी बीच किसी बड़े पक्षी से विमान A1409 टकराने के बाद उस विमान में आई तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान के लिए तैयार नहीं हो सका, पर उसमें सवार लगभग 100 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। फिर से नई मुसीबत में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव घिर गए हैं, लेकिन उनके घर के अंदर ही ये मुसीबत आ गई है। लोकसभा चुनाव में जहानाबाद और शिवहर सीटों पर तेज प्रताप अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चाहते हैं, जबकि जहानाबाद से ऐसे उम्मीदवारों को उनके तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया है, जिस उम्मीदवार को तेज प्रताप देखना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद ने बिहार के 13 बीएड कॉलेजों की मान्यता 2019-20 सत्र के लिए रद्द कर दी है। इन कॉलेजों में एक नाम पटना वीमेंस कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का भी है। बीएड की मान्यता रद्द करने की सूचना एनसीटीई भुवनेश्वर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा कर दिया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना साहिब क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि पटना साहिब भाजपा का गढ़ विरासत से है। यहां से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में 2 बार जीत चुके शत्रुघ्न सिन्हा इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। नए वित्तीय वर्ष में सरकार ने आपके लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे आपके प्रतिदिन की दिनचर्या पर असर पड़ सकता है। सरकार के द्वारा लिए गए फैसले में कई चीज़ों के दामों को कम कर दिया गया है, जिससे आप महीने के अंत तक कुछ और पैसों की बचत कर सकते हैं। अपना कहर नेपाल में कुदरत ने ऐसे बरपाया कि मरने वालों की संख्या अब तक 27 से 35 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि तूफान से नेपाल में भारी नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से मृतकों की संख्या 35 पहुँच चुकी है, जबकि 600 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 64वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है, लेकिन अभी भी छात्रों को संतोष नहीं हुआ है। कई छात्र छात्राओं ने परिणाम में गड़बड़ी को लेकर सड़क पर उतरकर खूब हंगामा किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।